उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में फैले भ्रष्टाचार के उजागर होने के बावजूद भ्रष्टाचार में लिप्त एसोसिएशन के सदस्यों पर उचित कार्यवाही न होने पर ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के सदस्यों और खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के संयोजक सुनील राणा के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने नगर निगम से एक रैली निकाली। रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी नगर निगम से होते हुए बैंक रोड, विजय बैंक, गणेश चौराहा, गोलघर, कलेक्ट्रेट चौक से नगर निगम में समाप्त किया। क्रिकेट संघर्ष समिति के संयोजक राणा सुनील सिंह ने यूपीसीए में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआई द्वारा जांच की मांग की। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राणा सुनील ने कहा, गिरफ्तार करो, करो सुनील राणा, संघर्ष 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 करो तुम्हारे साथ। राहुल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल शर्मा डरो नहीं, तुम्हारे साथ। 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 अगर उनसे भी गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अगर उनसे भी जांच कराओ, जांच कराओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राणा सुनील, सुनील राणा, आज किस मामले को लेकर आपने रैली निकाली है? ये 18 जुलाई को राहुल शर्मा ने उजागर किया था उसके पक्ष में कि अकरम सैफी जो लगातार हर चीज़ मांग कर रहा है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हर जगह गिरफ्तारी होती है लेकिन इसमें कहीं नहीं, क्योंकि राजीव शुक्ला जी का बहुत बड़ा हाथ है और राजीव शुक्ला जी की वजह से ही हर जगह बच रहा है। राजीव शुक्ला जी खुद भी बचे, इसीलिए बचे हैं क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग में जो हुआ एंटी करप्शन आ गया, बात ख़त्म हो गई। अब इनका लोकपाल आ गया, वो जांच किया, कौन सा जांच किया, ना किसी खिलाड़ी को बुलाया ना कुछ बुलाया, कौन सी जांच की ये समझ में नहीं आया। और बाद में कह देना जांच हो रही, जब रणजी ट्रॉफी शुरू ही हो जाएगा, सब कुछ शुरू हो गया, बाकी बचाई क्या है? आपने टीम बना दी, सब कुछ है, फिर इस साल पूरा ख़राब, तो इस साल तो हम नहीं होने देंगे। तो अकरम सैफी जैसे लोग बचे हुए हैं, राजीव शुक्ला जैसे लोग बचे हुए हैं, तो क्या किस काम का है? पहले हम लड़ेंगे गोरखपुर के अंदर, तो आप जान ही रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे, कोई दो राय नहीं है, तो इनसे तो मैं यहाँ निपटूंगा, लेकिन ये बड़े जो संवाददाता हैं इनसे पहले निपटना ज़रूरी है। तो राहुल शर्मा ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, उसी के समर्थन में ये था कि आप डरो नहीं, वो डरा हुआ है कहीं न कहीं। हम समझते हैं कि जैसे अकरम सैफी ने कहा तुम्हें उठवा लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उठा लिए जाएंगे, गाजियाबाद का SP वो सारी चीज़ें कह रहा है, तो कहीं न कहीं लोग डर गए हैं। लेकिन हमने कहा कि ठीक है, हमको हमारी गिरफ्तारी कर लो ना, हमारी गिरफ्तारी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तैयार हैं गिरफ्तार होने के लिए, जिस भाषा में आप चाहिए उस भाषा में चलने चलने के लिए तैयार हूँ। अब सड़क पर उतरा हूँ, आगे लखनऊ में उतरूँगा, इसके बाद हम कमला क्लब पर उतरूँगा, कमला नगर के उस पर भी उतरूँगा। हाँ, लोग जुड़े हैं, इस बार हमारे ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी भी आए हैं, रेसलिंग के भी हैं, कि जिन्होंने कहा कि नहीं, अन्याय होता है, ये लगातार संघर्ष हो रहा है। हमारे कोच गंगा यादव ने भी किया है, नीरज वाजपेयी हम जी हमारे पास लगातार लगे हुए हैं ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के, वो अपने देवरिया से लेके हर जगह लगे हुए हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, लेकिन कहते हैं कि भैया क्या किया जाए, अकरम सैफी खुले खुले में पकड़ा जा रहा है और आप उसकी बात कर रहे हैं, आप उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि राजीव शुक्ला का हाथ है, ये खेल संघों पर बहुत बड़ा है, यही नहीं है, सभी लोग हैं क्रिकेट में तो महा भ्रष्टाचार है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको लेके हम चल रहे हैं कि सभी लड़कों को बुलाया जाए, जो पूरे यूपी के लड़के हैं U19, U14, U23 रणजी, उनके बीच और जो लड़कों का सेलेक्ट किए हैं, एक पारदर्शी कमेटी जो BCCI बनाए, जो कपिल देव जी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर जी और तमाम बड़े जो प्लेयर हैं उनकी देखरेख में बनाई जाए और वो जांच करें, वो ट्रायल ले, अभी आपको पता लग जाएगा कितने पारदर्शी हैं आप, कितने कुछ हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।